खबरों में बात करते हैं महाराष्ट्र के भिवंडी शहर की, जहां सड़कों की हालत बदहाल हो चुकी है। सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क नजर आती है। वहीं आम पब्लिक को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मुस्तकीम खान का रुख करते हैं। मुस्तकीम, सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल देखिए मुशर्रफ जी, सबसे पहला जो आपने कहा गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे, सवाल यही है और बार बार सीएमएन न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहे हैं। लेकिन अब हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, हमारे कैमरामैन को कहेंगे सबसे पहले तस्वीर दिखाएं कि नगर पालिका के सामने किस तरह का बोर्ड लगा हुआ है, स्वस्थ भारत एक कदम स्वस्थता के ओर, भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका। अब ये यहाँ एक तरफ तो दावा किया जाता है कि स्वस्थ भारत यानी स्वस्थ, तो भिवंडी की जो तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर वो किस तरह से इनकी पोल खोलती हुई नजर आ रही है। मुस्तकीम, सबसे बड़ा सवाल सड़क के जो हालात हैं, इस पर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? जी बिल्कुल, ये जो यहाँ पर मामला है, पहला तो यहाँ पे हादसे कई बार हो चुके हैं, कई बार यहाँ पर लोग एक्सीडेंट और भी कई घटनाओं से जूझते नजर आते हैं। अब हम आपको थोड़ा एक तस्वीरें दिखाते हैं, हमारे जस्ट सामने यहाँ पर महानगर पालिका के गेट पर एक बस पानी के अंदर खड़ी हुई है। हमारे कैमरामैन को कहेंगे जूम करके आपको दिखाएं, जूम करके किस तरीके से पानी में खड़ी हुई है बस। अब ये इनकी किस तरीके से पोल खोल रही है, अब अगर किसी से सवाल कर लिया जाए, आपने कहा शासन प्रशासन, सवाल कर लिया जाए तो कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाएगी और बीजेपी कांग्रेस पर, सिर्फ वार पे वार चलता है लेकिन विकास नजर नहीं आता, ना तो जनता के हित में कोई काम होता है। मुस्तकीम, अगर कहीं पर कोई घटना हो जाए तो पुलिस भी टाइम पर नहीं पहुंच सकती, रास्तों की हालत इतनी खराब है, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये चीज तो देखने को कई बार मिला है कि जब कहीं कोई मामला हो जाता है तो बड़ी नाजुक व्यवस्था में पुलिस प्रशासन भी निकलते हैं लेकिन टाइम पे नहीं पहुंच पाते, कहीं ना कहीं पुलिस को भी दिक्कतों का सामना करते हुए इस शहर में उस दर तक पहुंचना पड़ता है जहां पर घटना होती है, बड़ी दिक्कतों के साथ पुलिस पहुंचती है। शुक्रिया मुस्तकीम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।